बिजली है जेड़ी साड़ी आन शान ते वकार ते पहाड़ ते की है। ऐस तो पहला के साड़ी पैर दी लाई हो सट नाल साड़ी इज्जत दे पुतिच कोई त्रेड़ा जाए। ऐस तो पहला के हवेली दिया बुनियादा इच जलजला आ जाए इस कार दिया छता साड़े सिर ते आ डिगण। ऐस तो पहला के कमियां दे खून नाल पूरी जागी डुब जाए। तुसी मौत दा वावे रोला पढ़ के उस हराम जादे जमाल ते सरताज नू जिंदा या मुर्दा दफन कर दियो जाओ। सरताज इको उलांग सोने चांदी दिया उच्चिया कंधा टप पाया यार तेरी यारी दा मान मन खिंच के तेरे बुए तक ले आया। हुण तक ते वड्डे साईं नूं साडे फरार दी इतला भी मिल चुकी होएगी और कोई जाखन दी लोड़ नहीं। चुप करके अंदर लंगा जमाल आजमाइश दिया इस कड़ी तेरा यार तेनू कण नहीं विखाएगा। छेती नाल अंदर आ जा आ जा आ जा। मैनू पता सी एक दिन तुहाडे प्यार दी बारिश वड्डे साईं दे गुरूर दे पुत नूं खोर के पानी पानी कर देगी। बैंड जरताज ने कामे नाल जिंदगी गुजारन दा फैसला करके ऊंच नीच दे फर्क नूं खत्म कीता। मैं हमेशा गरीबां दे दुख नूं अपना दुख समझिया वीरा। ऐस जागीर च फसण वाले वड्डे साईं कोलों नफरत ते मेरे नाल मुहब्बत करदे ने। इहो ही गल मेरे ते वड्डे साईं दे दरमियान नफरत दी कंध बन गई है। मुराद असी तेरे घर दी दहलीज तों बाहर दो सौ पर तेरे घर दी छत थले आके एक होना चाहने हां। मैं चाहना वा कि मेरे निकाह च मेरा यार मुराद जरूर बैठे। ओहो तू फिक्र ना कर जमाल ऐस नेक काम च बहुती देर नहीं लगेगी। तुसी दोवें आराम नाल बैठो मैं मौलवी नूं लेके हुण ही आया। मुराद हौसला रख दोस्ता यारी दा परम नहीं टूटेगा। या अल्लाह मौलवी साहब जल्दी चलो तो मेरे यार दा निकाह पढ़ा दियो। एनी तूफानी रात च निकाह पढ़ाने वाली गल मेरी समझ ही नहीं आई। देखी करन लग्या बंदा बहुता सोचे तो गुनाहगार हो जाता है। मौलवी साहब तुसी तुरंत वाली गल करो। मौलवी साहब निकाह शुरू करो। ये तेरे वालों इजाजत है दुश्मन दी वार साडे बुए ते आ गई है। वार तू गला नहीं जाएगा। यारी दा बूटा लहू दा पानी मंगदा है जमाल। आज मैं अपने खून नाल तेरी ते अपनी यारी दे रंग गोले कर देंगा। नहीं मुराद तैनू मेरी दोस्ती दा वास्ता ही जमाल चुप करके इत्थे बह जा। जे तू इस दलीज तों बाहर पैर कढ़िया ते मैं तैनू यार मनन तों इनकार कर देंगा। तुसे निकाह शुरू करो मौलवी साहब निकाह नहीं रुकना चाहिए। सरताज ते जमाल नु साढ़े हवाले कर दे मुराद। झूठ बोलेगा ते असी तेनू मार देंगे। सच मेरी जुबान मैदान मेरी आन ते यारी मेरा ईमान है। एक यार कोलो दा ईमान ना मंगोए जा तो चुप करके टर जा नहीं ते मैं तेनु अपनी दोस्ती दा सदका समझ के ला दियांगा। साईयां दे वाल
पैर थले आ गए ते जग विछने पै जाएगा मुराद। असी सरताज ते जमाल दी लाश ते नाल नाल तेरा मुर्दा भी बड़े साई दे पैरां जरूर सुटांगे। जो प्यार दे पार लग जान ते ओ उड़ जान दे। अच्छा समझ ले।
इस दुनिया च साडा सफर पक्का है। नहीं नहीं, पर मैं वादा करना कि अगले जहान च असि कदी नहीं विछड़ांगे, कदी नहीं एक बंदा सिर चुक के अपने आन का मकसद दस सकता है। वड़ा साईं, छे महीने हो गए ने बारिश नहीं वसी, भूख ने सानू मार दिता है, सानू बी वास्ते कर्जा चाहिए। कर्जा मंगदिया मंगदिया तू बुढ़ा हो गया है, असी कर्जा देंदे देंदे जवान हो गए हैं, पर तेनू कदी शर्म नहीं आई। मजबूरी शर्म दा कुंड ला देंदी है वड़ा साईं, तुसी साड़े ते मेहरबानी करो, नहीं ते साड़ा बाल बच्चा भुखा मर जाएगा, वड़ा साईं भुखा मर जाएगा। इस जागीर तीन हिस्से जमीन साडे ते एक हिस्सा तुहाडी है, तुसी ओदा मुल लैके अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? जमीन किसान दी मां हुंदी है वड्डा साईं, ते कोई गैरतमंद अपनी मां दा सौदा नहीं कर सकता। तुसी सानू कर्ज दे के साडे ते एहसान करो, असी अपनी फसल वेच के तुहाडी पाई पाई अदा कर देंगे वड्डा साईं। कर्जा तुहानू मिल सकता है, पर शर्त ए वे कि जेड़ी फसल तुहाडी जमीन पैदा करेगी ओ फसल तुसी सिर्फ साढ़े अगे वेचोगे। असी वादा करने वड़ा साईं, असी अपना सारा अनाज तुहाडे अगे फरोख्त करांगे। ठीक है, जगिया। जी वड़ा साईं। कागजा ते अंगूठे लवा के इन्हां नूं मूंह मंगिया रकम अदा कर दे। अपने आन की तारीख खत विच जरूर लिखी होगी। नी तारीख पिटिए पहले मैं खत से लभ लें। नूरीए, मैं लाटू दे बगैर छे छे महीने दी रात बड़ी औखिया गुजारनी हाँ। तेन की पता हो जो तेरा विह होगा फिर तेन पुछांगी। बहुत ही बक बक ना कर, ऐले फाड़ अपना खत ते जा दफा हो जा। हाय सदके जावा नी चिट्ठी सजना दिए तेनु चुम चुम सीने नाल लावा सतकड़े जावा। बस कर दे बस, तू ते मेरे कान ने बसुरे कर दिते ने, इंज लगता है जिवें कोई बकरी पे गांदी है। नूरीए अड़िए मेरा खत पढ़ दे। या अल्लाह, कि नाल पढ़ा ना मेरा वास्ता पै गया। ले आओ जी, हुण तुहाडा भी खत पढ़ना ही पैगा। तेरा बेड़ा गर्क हो गया है। हला की पे कहनी है, तेरा काके कंडा चुकया गया है। की बन गया ने तेनू, कुछ दस ते सही। बात समझ ले, नहीं तू रंडी हो गई है। नी तेरे सिर विच तेरे लाटू ने सुहा पा दी है, नी तेरे कुछ लगते ने ना शहर च तू जा ब्याह कर लेता है। हाय नहीं, मेरा लाटू इंज नहीं कर सकता, ए झूठ है। ए साचे कमलीए, ओनू शहर च एक मेम पसंद आ गई है। ओने लिखया है
मैनू टीप टाप वाली रन चाहिदी सी ते ओ मिल गई। ओने लिखिया है के सोने कोलो मेरी जान छुड़ा दवो ते अगले खत च मैं ओनू तलाक भी कल दवांगा। हाँ मैं मर गई, लोगों में लुटी गई, लुटी में फुटी गई। जे मैं जानती, जे मैं जानती लड्डू ने छड़ जाना ते एक दिन था दो कर दी लड्डूआ। हाय मैनू हाय तेन, 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 हाय मैनू हाय हाय। ना कुड़िये तेनू ते हाय हाय है ना मैनू हाय हाय। लटी गई किन्नी डोर तो ना तू ऐसी थां ते क्यों जानी है जिथे तू घड़ी मुड़ी लुटी जाए। सोनिए आज तेरे कच्चे घड़े ते किने पत्थर गंड मारिया ना की होया ई चाचा? लड्डू ने दूजा व्याह कर लिया ई। की कर ले? चार भरा ने मेरे। जे पंज हुंदे ते मेरा की कर लंदे? चाचा मैं तेनू विच नहीं लाया, दशकरिया वर्गे चार भरा ने मेरे। वेखी से मैं हुणे जाके उहनां नूं दसनी आ उहनां ने लट्ट दी मग्गी ना फई ते मेरा ना वी। सोनी नहीं आओ हाय मैनू हाय तेनू, हाय मैनू हाय तेनू, हाय मैनू हाय तेनू, हाय मैनू हाय तेनू, हाय मैनू हाय तेनू। ले भी हाय हाय तेनू मेरा ख्याल आ। छेती नाल दस मेरे पुत्र बाबर दा खत आया कि नहीं? जे बाबर दा खत ना आंदा ते मैं ते खत पढ़ के सुनाती। मैनू अपने वीर दे खत दी बड़ी उड़ीक सी। तौबा तौबा साडी ते कोई इत्थे इज्जत ही नहीं करदा, दुहाई खुदा दी। पानी ताणी वी ने पुछया ते खत पढ़ान तुर पैने। नी जानी तीए नूरी वास्ते लस्सी दा गिलास लैके आ जा छेती नाल। ना जी ना, मंगिया ते फकीर नूं वी खैर पै जांदी है। जे तुसी ज्यादा ही मजबूर करदे हो ते फिर तानू खत पढ़ के सुना ही देनी आ, की याद करोगे? नूरीए रब दा वास्ता ही खत ठीक ठीक सुनावी। एदा होवे लिखिया कुछ होवे ते सानू कुछ और सुना जावे। अल्लाह ना करे भला मैं बाबर दे लिखे खत नू गलत मलत पढ़ के किस तरह सुना सकनी आ। तैनू ते मेरी आदत दा पता ही है, पता है ना? हाँ हाँ, तदी सारे पिंड विच तू गलत खत पढ़ पढ़ के जगह जगह पौड़े पा देनी है। नीतीए रब तेरा भला करे, हुण ते छेती नाल खत पढ़ दे। चल मेरी धी छेती पढ़। मासी तैनू लख लख मुबारक होवे, बाबर ने बीए फर्स्ट क्लास पास कर लिता है। नूरीए रब्बा तेरा लख लख शुक्र है, तू मेरी मेहनत की लाज रख ली है। नूरीए होर की लिखे? ले होर की लिखना है? बस समझ ले, सरकार पिछे पिछे ते बाबर अगे अगे। मेरे ख्याल च बाबर जज जरूर लग जाएगा। जज ना लग्या ते वकील लग जाएगा, वकील ना लग्या ते फिर थानेदार दी नौकरी ते पक्की समझो। धीए हुण एक खत बाबर नूं मेरे वल्लों भी लिख दे। उन लिख तेरी भैन दे सहुरे विआह दी तारीख बड़ी छेती मंगदे ने। उन्हूं लिख दे जगीरदार दे कर्जे दी दलदल विचों सानूं जिन्नी छेती हो सके कढ लवे। उन्हूं लिख दे तेरी मां दे हत्थां विच मुशक्कत दीआं चंडियां इन्नियां वट गईआं ने कि होर मजदूरी करना उहदे लई अज़ाब है। उन्हूं लिख दे दीए कि तेरी मां दी अखां तैनू वेखण लई तरस गईआं ने। उहनूं इह वी लिख दे। बस मासी बस, मैं सब समझ गई हां। मैं तेरे दिल दी इक ही गल इस खत च लिख देंगी। हुण मैं चलनी आं। Oh,
ਸਖਾ ਬਨਵਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਠ ਪਵਾ ਦੇ खरीद के वड्डा साईं होर वड्डा नहीं हो सकता। बकवास न करो। तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ੀਨਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਮੌਤ ਤੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੌਫ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਵੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ ਤੇ ਫਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਏ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਝਗੜਿਆ ਹੈ ਮਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਖਪ ਗਿਆ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਏ ਤੇਰੇ ਚ ਸਾਲਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛਟਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਗਿਆ ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਅੰਬੀ ਵਰਗੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਾਣੀ 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 ਮਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾ ਸੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਗਿਆ ਵੱਡੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ਾਤ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਪਨਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਮਾਈ ਵੱਡੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਬਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਐਕਸ ਲਈ ਲਵਾਨਿਆ ਕਿ ਰੰਗਪੁਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਈ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਮੌਤ ਏ ਮੌਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲੂਮਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪੜੇਗੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਵਸੇਗੀ ਕਦੋਂ ਵਸੇਗੀ बदतमीजी है मिस्टर इस बदतमीजी की जिम्मेदार फंटास्टिक एडी सोनी ते स्मार्ट कुड़ी वेख के हाय दिल वसो बार हो जांदा मेरी जान मैं जान कट लांगी मेरी जान जे तबीयत खराब हो जाए ते ओनू दुरुस्त करना मेरे खब्बे हद का कम है अजकल दे जमाने च कुड़िया नू जूडो कराटे ते ऐसे मार्शल आर्ट जरूर सीखने चाहिए थे वैसे बेटी ऐसी कुछ दिन तो तेरी शादी के बारे सोच रहे हैं डैडी मेरी गल ते सुन तू बहुत छोटी जी से जदो मेरे एक जागीरदार दोस्त ने अपने पुत्र लई तेनु साडे कोल मंग लिया सी ओ बहिश्ती ते अगले जहान चला गया हुण असी सोचदे हां कि इस तो पहला कि साडी जिंदगी दा पंछी भी पिंजरा खाली कर देवे असी अपनी गल पूरी करना चाहने हां डैडी अगर तुसी अपनी पढ़ी लिखी तीनू शहरों पिंड टुरन दा फैसला कर ही लेता है ते मैनू एना जाके उस इंसान नू वेख सका ओनू मिल सका हां हां बेटे सानू कोई एतराज नहीं तू
जदों पिंड जाना चाहे असी उत्थे इतला करा देंगे। असी ते सिर्फ अपनी बेटी नू खुश देखना चाहते हैं। हेलो नायला, कमाल है, तू हाले तैयार ही नहीं हुई। लगता है तेनू अज रात का प्रोग्राम याद नहीं रहा। हाँ डैडी, अज रात साडे कॉलेज वालों सैलाब जदगान लई एक इमदादी शो हो रही है। वादा करो अंकल, साडा शो वेखण तुसी जरूर आओगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करा। तुहानू उत्थे आके 1,00,000 रुपया इमदादी फंड च देना पवेगा। जो तेरी खुशी। ते अज रात का शो वेख के लोकी मुंह च उंगला पा लेंगे। Thank you.
ਆਫਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। फौज दौड़ गई है, हुण तां डरन दी कोई लोड़ नहीं। फौजी साहब, जे तुसी ना आंदे ते पता नहीं की हो जाना सी। कुछ नहीं सी होना, मेरा रब जी दी मदद करे ओदा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर तू दस, ए बंदे कौन सन? ए बंदे नहीं, वड्डे साई दे पालतू कुत्ते ने। ए बेगैरत तो नूं खुश करन लई पिंड दीआं जवान धीआं भैणां नूं चुक के मार मार के सूर बना दिता। कुड़ी ते असी लै आई सी वड्डा साई, पर एक खुदाई फौजदार साड़ी राह विच कंध बन गया। उस खुदाई फौजदार नाल किन्नी कु फौज सी जगिया। बंदा ते इक सी वड्डा साई, पर लगता है ओदा वजूद गोश्त पोस्त नाल नहीं लोहे ते पत्थर नाल पड़ाया गया है। दुश्मन दी शान इच कसीदे पर्दिया तेनू शर्म आनी चाहिदी है जगिया। मैनू दस ओए, ओ केड़ा जवान है जिन्हें साड़ी जागीर दे थाना नू बकरी बना दिता है। शेर दा तरफ कदी गिदड़ा ने नहीं कराया जागीरदार। कौन है तू? मेरा नाम कैप्टन खान है, ते मैं इस मुल्क दे बॉर्डर ते खलो के दो जंगा लड़िया ने, पर तेरी जागीर पैर रखते ही मैनू तीसरी जंग एक लड़की दी इज्जत बचाण लई तेरे एना पालतू कुत्ते ना लंडी पई है। अच्छा, ते ओ तू है। पहला साड़ी हवेली च साड़ी इजाजत तो बगैर अंदर आण दा मतलब दस कैप्टन। मतलब दस्या ते तैनू गश पै जाएगा जागीरदार। मेरी खिदमत दे सिले च हुकूमत ने मैनू 8 मुरब्बे जमीन रंगपुर दे के तेरे जुल्म दिया तस्वीरां तकन दा मौका दिता है। जो कुछ वेखिए उन वेख के दर वट जा, ते मेरा मशवरा ही अपना सिर चुका के एथो नस जा। मैं नसण ली नहीं, नसाण लई आया मैं जागीरदार। ए सरकारी कागज तेरा मुंह बंद करने काफी है,
24 घंटे दे अंदर अंदर उस जमीन का कब्जा मेरे हवाले कर दे जिदे ते तू कई साल तो नाजायज कब्जे जे तू उस जमीन मेरे हवाले ना कीती ते जमीन का कब्जा लेंद्या वेख के तेरी जागीर दे लोग मुँह च उंगला पा लेंगे एनू मेरी पहली ते आखरी वार्निंग समझी जागीरदार हैरान होने की लोड़ नहीं जागीरदार समझ ले मेरिया दो नहीं चार अखा ने ते मैं ये भी जानना वा कि कमीना दुश्मन हमेशा कंठ से वार करता है आज तो पहला मैं मुल्क के दुश्मनों नाल जंग लड़ता रहा वा पर आज तो बाद मैं मुल्क के अंदर वसण वाले इंसानियत के दुश्मनों नाल अपनी जंग का ऐलान करना वा पर एक गल याद रखी जदों भी तेरा जुल्म मूँह जोर होया मैं उन्हें नत्थ पाण जरूर आवांगा छोटा साईं होने वाली मालकन नू असी खुशामदेद आखने हैं रस्ते च कोई तकलीफ तो नहीं हुई नहीं सफर ते बड़ा आराम नाल कटिया है पर मेरी आन दी खुशी च एना इंतजाम साडा वस चलता ते असी तेरे इस्तकबाल दा तमाशा तेरे कार दे बूहे तू शुरू कर देंदे लाडो सिर का सदका देके देगा दे मुंह खोल दियो अज रंगपुरी च कोई मस्कीन ते गरीब भुखा नहीं सोएगा लाडो तू अपनी मालकन नू एदा कमरा बखा जे इनू कोई तकलीफ होई ते असी तेरी खल ला देंगे जो हुक्म वड्डा साईं तुहाडा अपने इलाके दे लोकां ते बड़ा रोबे लगता है ऐसे तुहाड़ी मर्जी तो बगैर पता नहीं हिलदा असी ते बड़े रहम दिल आ पर पता नहीं लोकी साडे कोलो क्यों डरदे ने तू हली आई हौली हौली तेनू साडिया आता दा पता लग जाएगा अज तू भी रज के रोटी खा ले मुराद मालकन दे सदके इस जागीर विच अज कोई भुखा नहीं सवेगा लखा रात च मिलियो इस जिंदगी नु ठोकर मारन आले सत्के दी रोटी नहीं खांदे चक्या मुराद तू रोटी खान तो इनकार करके वट्टे साईं दे हुक्म दी ना फरमानी कीती है मैं तेनु इस जुर्म दी सजा जरूर देगा जरूर देगा Thank you.
लाडू इस बदनसीब का की जुर्म है? जागीरदार के बंदे एनू क्यों मार रहे ने? तुसी ना ही पूछो मालकन, ऐसे भी साढ़े दोवां दी बचत है। लाडो मैनू अपने सवाल का जवाब चाहिदा है, मैनू जुबान बंदी का हुक्म है। लाडो मैं वादा करनी हूं जो कुछ तू दसेंगी वो तड़कना वांगो मेरे दिल च महफूज रहेगा। तुसी जिद कर ही बैठे हो ते फिर सुनो मालकन। मालकन ए सुन दी दास्तान एथों शुरू हुई सी। इस बेगुनाह का गुनाह ए वे कि इन्ने वड्डे साईं दी भैन ते उहदे प्यार नूं चंद घड़ियां लई अपनी छत थले पनाह दित्ती सी। तिन्ना वरियां तों वड्डे साईं दा असाब बारिश बन के मुराद ते वस रहे ते पता नहीं कदों तक वसेगा। मेरे नाल हमदर्दी करन दा ख्याल छड्ड दे ते तू वापस चली जा। जागीरदार नू पता चल गया ते ओ तैनू भी माफ नहीं करेगा। इस तों पहला के तू ओदे जुल्म दा निशाना बने एथों वापस चली जा। चली जा वापस, वापस चली जा। पिंड वाले आदि खुशियां गम शरीक होवे असी उन्हें पसंद नहीं करते। बहुत अच्छा वड्डा साईं, मैं अपनी सहेली दी मेहंदी वेखन नहीं जावांगी। वड्डा साईं तुसी इहनूं इहदी सहेली दी खुशियां शरीक होण दी इजाजत दे दिओ। नायला इस हवेली दी होण वाली मालकन किसे नौकरानी दी सिफारिश कर दिया चंगी नहीं लगती। सिफारिश में ऐसले कीती है कि मैं भी पिंड वालियां दिया रस्मा ते रिवाजा नू अपनिया अखा नाल वेखना चाहनी हां ते लाडो उथे कली नहीं जावेगी, मैं भी एदे नाल जावांगी। कमजाता ते कमियां नाल तेरी सांझ होवे ए साडे वकार दी तोहीन है। इस जागीर दे सारे लोग तुहाडी रियाया ने अपनी रियाया ते प्यार दी बारिश करदे हो, एना नाल मोहब्बत करो वड्डा साईं। मियां तो बाद असी तेनू अपने असूलां दी किताब जरूर पढ़ावांगे। गरीब ते कमी नू खिच के रखो ते पालतू कुत्ते वांगो पैर चढ़ते रहिंदे ने। इह सबक सानू साडे बाप दादा ने सिखाया है। जे असी इन भुलांगे ते असी बाप दादा दे नहीं रवांगे। मेरा ख्याल है तू साडी गल समझ गई होनी है। समझ गई हां वड्डा साईं, तुसी इहनू जान दी इजाजत ना दिओ पर मैं इहनू अपने नाल लैके जरूर जावांगी। इस लई के लाडू नू मेरी खिदमत दा हुक्म तुसी दित्ता है ते दे उते तुहाडा नहीं मेरा हुक्म चलेगा। चल लाडो। Thank you.
ਮੇਰਾ ਬਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕੱਟਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਬੈਠੋ अपने हल्दी नोक नल चीर के साबित कर दिता है
कि मैं वड्डे साई की ताकत नूं मनन तो इनकार करना वा। जे तुसी मेरा रस्ता रोकिया ते तुहाडियां लाशां गिंदा गिंदा वड्डा साई पागल हो जाएगा। फौजिया मालकन जगिया, वड़े साईं नूं मैं आप जवाब दे लांगी। नहीं ला बीबी, तुसे साडे पटे विच पै के चंगा नहीं कीता। बकवास बंद कर ते कन लपे के नस जा, नहीं ते मैं तेरे ते गोलियां दी बारिश कर देंगी। कंजाने बंदे वास्ते जागीरदार ने दुश्मनी पा के चंगा नहीं किया। इंसानी फर्ज अदा करन लगिया खौफ ते पहाड़ ते जुर्रत दा बम्मा नहीं पैंदा है। खुदा हाफिज। डैडी मेरी बच्ची तू ठीक है ना? मैं ते तेरे बगैर उदास हो गया सा बेटी। जी करदा सी कि उड़ के तेरे कोल पहुंच जावा। मेरा ख्याल है साड़ी धी दा इस जागीर विच दिल लग गया। डैडी मैं तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करनी हां कि तुसी मैनू दुनिया विच वसन वालियां दे असली ते नकली चेहरे वेखन दा मौका दिता है। मैं कुछ समझिया नहीं बेटी। वड्डा सा इंसान नहीं एक दरिंदा है। ऐसे इलाके ते चप्पे चप्पे ते तुसी ओदी दरिंदगी दे निशान वेख सकदे हो। हर दिन वड्डे साईं ते सुल्म दा सूरज चढ़दा है ते हर रात वड्डा साईं इंसानां लई दुख ते असीयत दे दीवे बाल देंदा है। ओदे नाल जिंदगी ते की मैं एक पल भी नहीं गुजार सकदी। मैनूं इत्थे लै चलो डैडी, नहीं ते मैं पागल हो जावांगी। हौसला रख, हौसला रख, हौसला रख बेटी, हौसला रख। असी इस जागीरदार दे प्यो नाल ज़बान कीती सी, धी दा सौदा नहीं कीता सी। असी इत्थे एक पल नहीं ठहरांगे। आ मेहमान अपनी मर्जी नाल आंदे ते मेज़बान दी मर्जी नाल वापस जांदे ने। जागीरदार मैनु अफसोस है, मेरी धी नूं तेरियां आदतां पसंद नहीं आईयां। मैं इसे वेले मंगनी तोड़न दा ऐलान करना वा। मंगनी तोड़न दा ऐलान तू कीता है सेठ करीम? असीं इस ऐलान तों मुनकरां। मेरी धी तेरे जुल्म दी छां थले अपनी खुशियां दा आलना नहीं पा सकती। असीं इत्थों जाना चाहुंदे आं। तुर ते तू जाना है पर जान दी एडी काली चंगी नहीं होंदी बुजुर्गा। तेरी धी ने साडे जुर्मा दी बड़ी लम्मी फिरिश्ते नूं सुनाई है ते हुण असी तैनू अपने जुर्मा दा नमूना जरूर वखावांगे। मैं तेनू इस काबिल नहीं छड़ांगा कि तू दुनिया नूं मुंह वहा सके। तेनू कोई कुत्ता नहीं बचा सकता।
वड्डा साईं, मेरी अख धोखा नहीं खा सकती। मुराद नु साडे हथों
जरताज ने बचाया प्योता है नवा रूप ताडे ले भी खतरा बढ़ सकता बड़ा साई जगिया असी हर खतरे नाल कितने वांगू खेडन दे आती हां तीन बरे पहले भी सरताज ने अपनी बदनामी दे खंजर नाल साड़ी इज्जत दी शारक वड़े सी त्या जुने साड़े मुंह ते अपनी ना फरमाने दी दूजी छपेड़ मारी है ते हुण असी सरताज दे अपनी इंतकाम दी बारिश करांगे ते फिर इस धरती ते पानी नहीं लाऊ वसेगा मैं अपने सुहाग दी कबर ते अपने हंजुआ दा दीवा बाल के आंदे जांदे बड़े मौसम वेखे ने तीन साल मेरे ते दुखां दी बारिश वसीए पर मेरा इंतकाम अज भी पहले दिन दी तरह राशन नहीं जगीरदार सिर्फ तेरा ही नहीं मेरा भी दुश्मन है मैं अपने हिक ते लगे हुए एक एक जख्म दे बदले जगीरदार दे पिंडे ते सौ सौ जख्म लावांगा मैं उन्हु कत्ल करके तेरे सुहाग दा ही नहीं अपने ते होए जुल्म दा हिसाब भी लांगा नहीं तू उन्हु नहीं मार सकता जगीरदार ने मेरी आंखा दे सामने मेरे बाप दे सीने च अपने जुल्म दा बारूद उतारिया है मैं उन्हु जानू मार के अपने बाप दे कत्ल दा बदला लांगी मैं पहला कमजोर सा हुन तुसी मेरी ताकत हो मेरिया बावा हो वादा करो तुसी मेरा साथ दोगे मैं तैनू कॉल देना जरताज मैं हमेशा तेरा साथ देंगा मैं भी वादा करनी हां मैं तोड़े दोवां तो पीछे नहीं रवांगी मां दी मुशक्कत तेरे कोलों अपना हक मंगदी है बाबर तू खाली हाथ पिंड केड़े मुंह नाल जाएगा मां ते पैण दियां आसां टूट गईयां ते तेरा जीना अजाब हो जाएगा तेरी जिंदगी एक बोझ है ऐस बोझ नू मौत ते मोड़े ते सुट दे तेरे मरन नाल तेरे मसाइल भी मर जानगे तैनू मर जाना चाहिदा है तैनू मर जाना चाहिदा है तैनू मर जाना चाहिदा है बचा के तुसी चंगा नहीं किता मैं मरना चाहना वा मैं जानना वा मायूसी ते नाकामी दी गठी बंदे नू मौत दी वादी वाल लै जांदी है पर याद रख उस दिली दी मौत कुत्ते दी मौत तो बदतर हुंदी है जमाने दियां ठोकरा मुकद्दर बन जान ते बेकारी दी टिकरी हाथी छोवे फिर जवाना वांगू जीना बहुत मुश्किल हो जाता है हौसला कर मुश्किल दे पहाड़ नू अकल दा थोड़ा किरची किरची कर देता है मैं तेनू जीण दा फल सिखावांगा पर तुसी मेरे नाल चल तेनू तेरे हर सवाल दा जवाब मिल जाएगा पर चल आजा अंदर रेशम नादर सेठ आपने मेहमानदार
तारफ नहीं कराओगे? इस नौजवान का नाम बाबर है। बेरोजगारी ने तके मार मार के मौत की गड्डी वार रेड़ दिता सी। जे अचानक इहदे ते मेरी नजर ना पैंदी हुण तिकर यह विचारा रब नूं प्यारा हो गया हुंदा। बंदे नूं मरन दा शौक चढ़ावे ते ओनूं खूबसूरत मौत मरना चाहिदा है मिस्टर बाबर। दुखन दी धुंद विच बंदा पसंद ते नापसंद दा चेहरा नहीं वेख सकता मिस रेशम। तू फिकर ना कर, असी तेरा दुख हो के ते तेनू खुशियां टोर देंगे। साढ़े कारोबार च कम थोड़ा ते ऐशो इशरत ज्यादा होंदी है। तुहाडा कारोबार की है सेठ साहब? साडा कोई हाँ कारोबार नहीं। ऐस मुल्क दे नामवर ते सरमायेदार लोग तकरीबन एहो ही कारोबार करदे ने। मैं समझे नहीं सेठ साहब। ऐस दौर दा सब तो आसान ते सब तो वड्डा कारोबार हीरवन फरोशी है। हीरोइन? हाँ हाँ, असी हीरोइन खरीदने ते हीरोइन बेचने। नहीं 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 सेठ साहब नहीं, मैं अपने सुखां लई कौम दे मुस्तकबिल नू नशे दी बेड़ी विच बिठा के मुनशियात दे समंदर विच टका नहीं मार सकता सेठ साहब नहीं। जज्बाती होने दी कोई लोड़ नहीं, याद रख भुख हर जज्बे दा कल घुट देंदी है। जान चली जाए पर ईमान नहीं बेचंगा सेठ साहब। मैनू रिस्क हलाल चाहिदा है, रिस्क हराम ते मैं 101 वारी लल भेज देवा। सट लगी है ना, मैं तेनु नहीं बखा सकती। ओए छेती नाल दस सट तेनु लगी किथे? चंगी पहली टूर दी दा
अपने मोढ़ियां तो ला के ताड़ी हवेली दिया दलीजा जरूर सुटां। तेरे इकरार नहीं मुके पर साड़ा इंतजार मुक गया है। सानू साड़ा कर्जा मोड़ दे या फिर अपनी जवान तीनू साड़े कोल गिरवी पा दे। बाबर
मां जगी तारा तू मेरी मां ते मुंह ते चपेड़ नहीं मारी अपनी मौत दे परवाने ते दस्तखत किते ने मैं तेनू जिंदा नहीं छड़ंगा नहीं छड़ंगा याद कर जागीरदार मैं तेनू क्या सी जदों तेरा जुल्म मुंह जोर होवेगा मैं ओनू नथ पाण जरूर आवांगा मैं तेरे जुल्म दे शिकार नू अपनी पनाह दे साए च अपने नाल ले चलेवां बेगाने फड्डे च लत ना फसा कैप्टन मैनू ए दस तेरा इना नाल की रिश्ता है मेरा इना नाल इंसानियत दा रिश्ता है जागीरदार रिश्ता खून दे रिश्ते नालों ज्यादा मजबूत होंदा है जिन्हों मौत नाल यारा नाल लाण दा शौक होवे ओनू मेरा रस्ता टक्कण दी इजाजत है मां जी चलो सबर दी हद आस्ते आके टूट जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता पुत्र वे सोचती सां तैनू नौकरी मिल जाएगी तो साढ़े सारे दुख दूर हो जाएंगे पर इंज लगता है जिवें साढ़े दुखां दा पेंडा मौत दी मंजिल ते जाके खत्म होएगा दिल छोटा ना कर मां सब कुछ ठीक हो जाएगा तसलियां दे थम बदनसीबी दी छत नूं डेगन तो नहीं रोक सकते पुत्र वेले दी अख बदल गई है जे असी शाली नूं डोली च ना पा सके ते फिर सानू शाली दी जिंदा लाश वड्डे साईं दी हवेली च दफन करनी पएगी नहीं मां नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं अपने घर की इज्जत बचाने लई समाने नाल टकरा जांगा मैं अपनी भैन दियां खुशियां तकदीर दे हत्थां विचों खो के इहदी झोली विच जरूर पावांगा मां तू व्याह दी तारीख पक्की कर भैन नूं सूआ जोड़ा पाउण लई जे मैनूं कफन भी पाना पिया ते मैं तारीख नहीं करांगा मां नहीं करूंगा सेठ साहब मैनू पैन दे जहेज वास्ते 1,00,000 रुपए दे दो इस 1,00,000 रुपए दे बदले मैं सारी जिंदगी तेरी गुलामी करांगा एले 1,00,000 रुपया जे जरूरत पई ते होर मांग लवे सेठ साहब मैं तेरे एहसान जिंदगी पर नहीं भुलांगा असी एहसान नहीं करदे कारोबार करने अज रात साड़ा माल फॉरेस्ट रोड रतन बिल्डिंग कमरा लंबर 39 विच पहुंचाएगा ऐस पहली वारदात विच रेशम तेरे नाल होवेगी Thank you.
नादर मेरा यार लगता है साडा यार राह भुल के साडी जागीर चा निकलिया है। दोस्तों नु भुल भुलेखे मिलन वालियां दी कण हमेशा नंगी रहंदी वड्डा साईं, पर अज मैं तेरे कोल एक खास कम ले आया वहां। दो चार दिन मौज मेला कर ले यार, सफर दा थकेवा लथेगा ते तेरा काम भी कर लांगे। नहीं वड्डा साईं, कम दा छेती होना बहुत जरूरी है। रंगपुर पिंड च जवान चाहिदा है जिदा नाम बाबर है। इस वेले पुलिस कोलो मफरूर है, पर ओदे कोल मेरा 10 लाख रुपए का माल है। बाबर शायद इस नां दा कोई जवान मेरी जागीर च नहीं। हां तेरे कोल ओदी कोई शनाखत है? हां हां क्यों नहीं, इस अखबार च कानून नु मफरूर ते इश्तियारी करार देके ओदी तस्वीर छापी। तू फिक्र ना कर दादा, ते समझ ले तेरा काम हो गया है, क्योंकि तेरा मफरूर साढ़े घरे दी मच्छी है। जल्दी विच मैं जहेज दे इंतजाम नहीं कर सके चाचा जी, ऐ 1 लाख रुपए नकद हाजिर है, एनु कबूल कर लो। ऐडी की लोड़ सी पुत्र, जिन्हें टी पहनते दिती बाकी की रह गया। जमाने दियां रस्मां ते पूरियां करनियां ही पैंदियां ने, हुण निकाह शुरू करान दी इजाजत दे। बाबर अपने आप नु कानून दे हवाले कर दे, चुप करके। नसन की कोशिश ना करी, कानून तेरे घर नु चारे पासे अपने घेरे च ला चुका है, चुप करके। मेरे सत्ता दियां वर्गे पुत्र दा जुर्म ते दसो थानेदार जी। एदा सबूत है अखबार, एदे च एदी फोटो ते मफरूर दी खबर छप चुकी है। मैनू यकीन है मेरा पुत्र मुजरिम नहीं हो सकता। बाबर इन्हां नू कह दे सब झूठे। सचे मां थानेदार जी, भैन दे निकाह होण तक मैनू कानून कोलों चंद कड़ियां दी मौलत चाहीदी है। भैन नू रुखसत करन तों बाद मैं ताड़ियां हथ कड़ियां नू तकदीर दा इनाम समझ के अपने हथां च पा लांगा। मेरे दुध नु जुर्म दे रंग च रंगन वालिया, तू सिर्फ कानून हुंदा ही नहीं एक मां दा भी मुजरिम है। दस में मेरी मेहनत ते मुशक्कत नु जुर्म दी तकड़ी च तोलन दे अख्तियार तेनु किने दिता है? मेरियां आसां ते उम्मीदां ते कानून दे पैरे बिठान दी इजाजत तेनु कित्थों मिली है? दस में एक दुखियारी मां कोलो ओदे पुत्र दी शराफत दा इतबार खोन दा वल तू कित्थों सिखिया है? दस में बोलदा क्यों नहीं, बोलदा क्यों नहीं? तेरे हर सवाल दा जवाब वक्त देगा मां। अपने पुत्र दे गुनाह नू ओदी पहली गलती समझ के माफ कर दे मां, माफ कर दे। मेरे हथां दियां छड़ियां विचों हाली खून दी बारिश नहीं मुक्की ते तू जुर्म दी राह ते टुर पिया है। वे मरी मां एक नजर पिछे मुड़ के वेख लैंदा ते तैनू पता लग जांदा के मसलूम मावां ते जवान पैना दे भरावां लई जुर्म हराम हुंदा है, हराम हुंदा है। सानू इजाजत दो भैन जी, असी एक मुजरम दी भैन नू अपने घर दी नू नहीं बना सकते। नहीं ए नहीं हो सकता, मेरे पुत्र दे जुर्म दी सजा मेरी धी नू नहीं मिल सकती। जे बरात खाली हाथ वापस टुर गई ते मेरी धी दी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तेरे अगे हाथ जोड़नी आ वीरा,
मैं बाबर नू सारी हयाती पहन दे कर दिया दलीजा नहीं वड़न दियांगी। जे तू कमेगा ना तो मैं पुत्र नाल मां दा रिश्ता भी तोड़ सकनी हाँ, पर रब दा वास्ता ही मेरी ती नू डोली च पा के लै जा, नहीं तो वह मर जाएगी वीरा मर जाएगी। तेरे अथरू तेरे पुत्र दे मथे ते लगी जुर्म दी स्याही नहीं तो सकते, असि मजबूर हाँ, ये बरात वापस जाएगी। उठा मुंडिया। नहीं मेरा पुत्र नहीं। हवालदार इन हथकड़ी ला लो चुप करके। जान तो पहला ऐस नुमानी नू अपने हाथी खत्म करता जावे, तू ते जेल दिया सीखा पीछे अपनी सजा कटेगा, पर मेरी ये बदनसीब थी सारी हयाती कर दी ऐस चार दीवारी विच, अपनी बेगुनाही दी सजा कट दिया बड़ी हो जाएगी। हुण दस मैनू ऐस कर्मा मारी नू सेरे बन के व्यान कौन आएगा कौन आएगा। भैन जीनते ती बादशाह दी होवे या फकीर दी डोले दोवें पै जांदियां ने। मैं भी एक जवान धी का प्यो हाँ, ते तीयां दे दुख बड़ी चंगी तरह जानना वा। रिश्ता मैं नाल लैके आ गया वा, जे पसंद आ जावे ते चार कल मैं पढ़ाउण वाली गल करूं। Thank you.
सुहाग रात नू हर लाड़ा अपनी वोटी नू कोई ना कोई शायद तोहफे जरूर देंदा है, पर मैं आज तोहफे दे रूप विच अपने आप नू तेरे हवाले करना वा। ए मेरी खुश नसीबी है, जिन्हू प्यार मिल जाए उन्हू और कुछ नहीं चाहिदा। ऐस गल ते जिंदगी भर कायम रहेंगे, ते छोटा जा कार जन्नत बन जाएगा। तुसी फिकर ना करो, मैं गुरबत दे चूले विच दुख दे होंठे लेके जवान हुई हां, मैं हर मुश्किल दा मुकाबला हंस के करती रवांगी। शाली सरताज, घबरा की कोई लोड़ नहीं शाली, लगता है साड़ी शादी के मौके से साड़े दुश्मन चांद मारी करन आए ने, मैं इन्हें इस्तकबाल जरूर करांगा। रब दा वास्ता जी, तुसी बाहर ना जाओ। जिदा वास्ता पा रही है शाली वो हमेशा मेरे नाल रहिंदा है, पर एक गल याद रखी, तू एक फौजी की बीवी है, दुश्मन जदों भी जंग दा ललकारा मारे ओनू कंड नहीं विखाई दी, बल्कि अग्गे वध के ओदी हिक च गोली मारी दी है, ए फौजी दा असूल है। साडियां गोलियां नू ब्याह दी सलामी समझ के कबूल कर लै कैप्टन, इस तो पहला कैसी गोलियां का न्योंदरा वधा दईए शाली नू साडे हवाले कर दे। बकवास ना करे, हर शरीफ घर का दरवाजा बेगैरत लई बॉर्डर लाइन होंदा है कुत्तियो, तुसी दुश्मन होके मेरी शराफत का बॉर्डर क्रॉस किया, ते तुहाडी सजा माते मौत। इतने भी कम ती दे, दे चार लाशा चुप करके आ जाओ। कैप्टन अपने आप नू कानून दे हवाले कर दे, मैं तैनू चार कतलों के जुर्म गिरफ्तार करना। हवालदार यस सर, इन्हां लाशा नू कब्जे च लैके ते इन्नू हथकड़ी ला लो चुप करके। मेरी मुअज्जज अदालत से दरखास्त है कि मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है जनाबे वाला साहब का कैप्टन खान, जो इस वक्त एक मुलजिम की हैसियत से हाथों में हथकड़ियां पहने हुए अदालत के कटहरे में खड़ा है, आज से चंद बरस पहले हमारे मुल्क की सरहदों पर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी एक टांग खो बैठा। ऑपरेशन से गोली तो निकल गई, लेकिन हल्की सी लंगड़ाहट ने इसके होश और हवास छीन लिए और यह ऐसा से कमतरी का शिकार हो गया। जिनाबे वाला खून से भीगी इस दास्तान का मरकजी किरदार एक लड़की है जो इस वक्त मुल्जिम खान की बीवी है। रंगपुर का जागीरदार एक नेक और रहमदिल इंसान है, गांव वालों का आसान तरीन वापसी पर कर्जे मुहैया करना उसकी इंसानी जिंदगी का असूल है। साबका कैप्टन खान की बीवी शाली एक गुर्बत की बारिश में भीगे हुए घर से ताल्लुक रखती है। शाली की मां ने जागीरदार से कर्जा लिया और अपनी बेटी का रिश्ता जागीरदार को देने का फैसला कर लिया, मगर साबका कैप्टन खान ने मां बेटी को बहला फुसलाकर रकम का लालच दिया और जागीरदार से यह रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर दिया। और शादी की रात वड्डा साई ने अपने आदमी कर्जे के तकाजे के लिए भेजे,
मगर कैप्टन खान ने अपनी सुहागरात को रंगीन करने के लिए चार बेगुनाह इंसानों का खून कर दिया। जज साहब, मुल्ज़िम खान ने सरहदों पर बहुत सा खून देखा है, इसलिए एक इंसान का कत्ल कर देना इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अगर ऐसे दरिंदों को माशरे में खुला छोड़ दिया गया तो ये इंसानियत को चीर फाड़ कर उसे जिंदगी की आखिरी सांस तक छीन लेंगे। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से इंसानियत के नाम पर अपील करता हूं कि मुल्ज़िम खान को सख्त से सख्त सजा सुनाकर कानून की बालादस्ती को कायम रखा जाए। दैट्स ऑल सर। मुल्ज़िम सरफराज खान अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो अदालत उसे इजाजत देती है। जज साहब, लगता है बड़े साईं दे नोटां दी गर्मी ने वकील साहब नु बहुता गर्म कर दिता है। अगर वकील साहब गैर जानिबदारी दा मुजाहरा कर दे ते अदालत च इस बकुए दी सच्ची कहानी जरूर सुना देंदे। मैं इन्हां कतलां तो इनकार नहीं करता, पर इन्ना जरूर कहांगा कि हक दी राह च लड़ना जहाद है ते जहाद करना हर मुसलमान दा फर्ज है। वकील साहब, तुहानू दसना पेगा कि एक ताकतवर ताकत दे नशे च आके किसे शरीफ आदमी दे बूहे ते चांगर मारे ते एक गैरतमंद नू की करना चाहिदा है। तुहानू दसना पेगा कि कोई तुहाडी बीवी नू लुटता माल समझ के लुटना चाहे ते उस वेले तुसी की करोगे। तुहानू दसना पेगा कि अपनी इज्जत ते गैरत नू बचाण लई गैरतमंद मुंह लुकांदे ने या दुश्मन दी हिक च गोली मारदे ने। जनाबे वाला, अगर वकील हजरात रुपए पैसे दी जबान इच बोलना छड़ देन ते कोई साढ़े मुल्क ते कानून नू अंधा नहीं कह सकता। मुल्ज़िम खान ने कानून की तोहीन की है जज साहब। अगर सच बोलना कानून दी तोहीन है तो फिर सानू एक कानून नहीं चाहिए। इंसान ने कानून नू जन्म दिता है, कदे किसे कानून ने इंसान नू पैदा नहीं किया। ऐसे ही कानून तो वध के इंसानियत की इज्जत करना साड़ा इंसानी फर्ज है। मैं अपने मुल्क की सरहद ते खलो के दो जंगा लड़िया ने, अपने मुल्क के हजारा दुश्मनों नू मौत दा मुंह विखाया। मेरी बहादुरी ते हुब्बुल वतनी दे जज्बे नू वेख के तुहाड़े मुल्क के कानून ने मेरे सीने ते स्टार ते तमगे लाए ने। पर अज मैं अपने घर की इज्जत बचाने लई इस मुल्क दे अंदर वसण वाले चार दुश्मनों नू मारिया है ते तुहाड़े मुल्क दे कानून ने मेरे हत्थां च लोहे दी कड़ियां पा दित्तियां ने। मेरे सीने तो तमगे ला लो जज साहब, या फिर हथकड़ियां उन्हां हत्थां च पा दियो जिहड़े हथ कानून नू खिडौना समझ के खेड़दे ने। मैनू दसो जज साहब, जे मुल्क दे अंदर वसण वाले दुश्मन नू मारना जुर्म है ते मुल्क दे बाहर आउण वाले दुश्मन दे सीने च गोली मार के सानू फौजिया दे कद ते जाले ने। मैनू दसो जज साहब, साडा कानून अपनी अखा तो बची पट्टी ला के रोंदी ते कुरला नी इंसानियत दे अथरू कदों पूंजेगा, कदों पूंजेगा, कदों पूंजेगा, कदों पूंजेगा, कदों पूंजेगा। मुल्ज़िम सरफराज खान ने अपने सच्चे जज्बों की बारिश बरसाकर इस अदालत में बैठे हुए तमाम लोगों पर बहुत से सवाल किए हैं, लेकिन इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर फैसला करने वाले जज्बे नहीं सबूत देखकर फैसला करते हैं। लिहाजा अदालत मुल्ज़िम को वक्ती इश्ताल का फायदा देकर 14 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाती है। मुराद, अग्नु कौनल क्यों देख रहे है? ए अग्दा मच समेंते नहीं,
मेरे हेक्टर पे बलता है। जब तक मैं जागीरदार को अपने इंतकाम का बदला नहीं ले लेता अख मैनु सारती रहेगी। मैं जागीरदार नु अपने इंतकाम की अग जरूर साड़ांगा। जागीरदार सिर्फ तेरा ही नहीं मेरा भी मुजरिम है। सजा उन्हें मैं भी देंगी। तू ते अपनी जान तली ते रख ली है पर मैनू तेरी हयाती की बड़ी लोड़ है। मुराद अरे दी दिल च प्यार दी जोक लग जाए ते फिर उन्हें अपने प्यार दे सिवा कुछ नजर नहीं आता। पर मैं ते बल्दी आगे जोक का खां जेड़ा किसे वेले भी सड़ के सुआ हो सकता है। मेरी जात नाल अपनी आसा ते उम्मीद नाला जे मैनू प्यार दी बारिश च पिछे हुए तो पल मिल जान ते मैं उन्हां तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया। तेनू तो के मैं अपने मुस्तकबिल दे ख्वाब वेखन लग पई हां। Thank you.
मनहूस खबर सुन चुके हैं जागीरदारा, तू इत्थे आन दा मतलब दस। तेरी धी दी उम्र बहुत छोटी ते जुआई दी कैद बहुत लंबी है माई, 14 वर्यां दा भी छोड़ा जवानी नू कुंदी तरह खा जाता है। जदों एदा फौजी आएगा उदों तेरी धी दे सिर च चांदी दे तार डलका मार रहे होंगे, ऐस तो पहला कि तेरी ती खसम दी हयाती च बेवा ख्वान लग पवे, असी इनू दोबारा आबाद कर दियांगे। जागीरदारा, शाली दी आबादी ते बर्बादी दा वारस हाली जूंदा है, वो बेवा नी सुहागनी, तू इत्थे चला जा। कार आई बला नू टालना एडा सोका नहीं माई, तू साड़ी पसंद उस लंगड़े की चोली च पाके साडे कहर नू आवाज मारी सी, अज असी तेरी धी का मुकलावा लैण आ पाया, अपनी धी नू सजा बना के साडे नाल टोर दे, नहीं ते बेमौत मारी जाएगी। शाली नू चुक लै। इधर आ जाने वन जागीरदार, आज शाली दा वीर ते ओदी इज्जत बचान ले नहीं आया, पर मेरी कण पीछे खलोते शेरा वल वेख, आज जस पिंड दे सारे वीर अपनी भैन दी इज्जत तो कुर्बान होन ले तैयार ने। ते फेर कुर्बानी दे इना बखरिया नू आ के साड़ी राह छड़ दे, नहीं ते बारूद दे कोई छटे नाल असी इना दिया छातियां च मोरियां पा देंगे। तेरियां गोलियां मुक जांगिया पर पिंड दे जवाना दे सान नहीं टुटंगे, अज तेरे जुल्म दे सामने गैरत दे जज्बे दी आ दीवार खलोती है जिनू तू नहीं तोड़ सकता। Thank you.
जगिया शाली नू इन्हां दे हवाले कर दे जा। उस चिल्तर वर्गी कुड़ी ने पिंड वालिया नू साडे सामने खड़ा करके सानू अग दा पांबड़ बना दिता है। जी करदा है उना दे आसे पासे बारूदी बारिश कर दईए, उना दे टोटे टोटे करके कुत्ते ते चीला आगे सुट दईए, उना दे कारा च अग ला के उना दे बच्चे मार दईए। पर समझ च नहीं आता की करिए ते की ना करिए। वड्डा साई गरीब ताकत बन के सामने आ जाए ते फेर ओदी ताकत खत्म करन लई ताकत नहीं सियासत इस्तेमाल करनी चाहिए। तेरी जागीर च वसन वाले उस छप्पड़ दा पानी पींदे ने जिन्हों हमेशा बारिश पड़ती है। तू उस पानी जहर मिला दे, जहर कर कर लाशा टिकन किया ते पिंड वालियां नू अपनी गलती दा एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। तू ठीक आखिया नादर, जहरीला पानी इन्हां दियां रगां च मौत बन के उतरेगा ते कुछ जहर नाल मर जाणगे ते कुछ प्यास नाल तड़प तड़प के जान दे देणगे। जगिया रातों रात छप्पड़ दे पानी जहर मिला दे ताकि कल दा सूरज पिंड वाले लई मौत दा पैगाम बन जाए। पर बुढ़िया बच्चियां ते जवानां दियां लाशां अपनियां खुलियां अखां ते चुप ज़बानां नाल वड्डे साईं दे ज़ुल्म दी कहानी चीख चीख के सानू सुना रही है। तुसी की कह रहे हो माँ जी? यकीन नहीं हो आंदा
ते करो बाहर निकल के वेख नाइला। पिंड दियां कंधा ते कोठियां थे मौत का पंछी पिया कूकता है। हर घर विच मातम ते गली गली शामे गरीबा का मंजर है। जागीरदार ने छप्पर दे पानी विच सैर मिला के पिंड वालियां नू प्यासी ते जहरीली मौत का चेहरा विखा दिता है। जागीरदार ने शर्त रखी है कि पिंड वाले नू हवेली दे खुदा पानी मिल सकता है, पर एदे लई नायला नू दी हवेली च जाना पेगा। नहीं नूरिये, नायला जागीरदार दी हवेली नहीं जावेगी। असी अपनी मेहमान दी दी इज्जत दे मुल मौत खरीद सकने आ। असी भावें सारे मर जाइए पर जागीरदार दे बुए ते फरियाद लेके कदी नहीं जावांगे, कदी नहीं जावांगे। नायला वेख लीते रेत दिया कंधा का आसरा लैन वाले किस तरह डिग पैंदे ने। तू इस जागीर दे लोकां नू पागी बना के साडे नाल टक्कर लैण दी कोशिश कीती है, पर साडी ताकत दे पहाड़ नाल टकराण वाले टुट बच के किरची किरची हो गए ने। असी छप्पड़ दे पानी सैर खोल के उन्हां कोल जीर दी आस खोल लईए, पर उन्हां बेगैरत दी खुद गर्ज़ी वेख उन्होंने अपनी प्यास बुझाण ले तैनू मेरी हवेली वल टोर दिता। मैनू इत्थे किसी ने नहीं भेजिया जागीरदारा, मैं इत्थे आप अपनी जमीन ते पैरां दे निशाना ते टुरदी टुरदी इत्थे तक आ पहुंची हां। पिंड वालियां लई अपनी हवेली दा पानी खोल दे जागीरदार। पिंड वालियां नू पानी नहीं मिल सकता। हाँ, जे तेनू प्यास लगी है ते तेरे लिए साढ़े खूह का ठंडा ते मीठा पानी हाजिर है। मैं अपनी प्यास ओना प्यासा तो कुर्बान करनी हूं जिन्हां ने सबर की हद मुका दी सी। तेरे तो पहला भी एक जालिम ने मैदान करबला इच मासूमा दा पानी बंद कर दिता सी। तारी गुआए ओना मासूमा दी प्यास ओना दा ना कर गई ते आज भी लोकी ओना नू याद कर करके अथरों दी बारिश कर देने ते जालिम दे नाते लानत दी बारिश होंदिया आज भी पूरा जमाना फेंकता है। अजल तू लेके आज थाए इस दुनिया ते ताकतदार आ जाए, ताकतवर अपनी ताकत की बुलंदी ते खलोगे, कमजोर ते बेबस्ता तमाशा ना वेखे ते उन्हें स्वाद नहीं आता। पर मैं पिंड वालियां दी प्यासी मौत तमाशा नहीं वेख सकती। पानी दे दो दो कुट प्यासियां इच वंडे जागीरदार, नहीं ते उन्हां दी प्यास वेखे आसमान तो तेरे उते कहती बारिश आ वसेगी। मैं पूरे पिंड की प्यास बुझाने लई तैयार हां, पर तू मेरी प्यास बुझाने का वादा कर ले। मैं अपने मुंडिया ते अपनी लाश चुके तेरे कोल आई हां, अगा वध ते मैनू अपनी हवस दे अन्ने खूंच धक्का मार दे जागीरदार। इस तो पहला कि मेरी इज्जत तो मौत आ जाए, वादा कर के पिंड च कोई प्यासा नहीं रवेगा। वादा!
करना वा के पिंड वाले आते अपने खूह के ठंडे ते मिठे पानी दी बारिश कर दियांगा। जगिया ला जाओ। इस चंद के टोटे ते दिल के खोटे नू सजा बना के साड़ी सेज ते बिठा दे।
दे मेरा ना लेके हाय होए हाय हाय लेके होके कर दे ते बट विच फोटो रख दे हाय ते बट विच फोटो रख दे दिल तेरी सेज बन जाए ते ऐसी फूल बन के पंखड़ी पंखड़ी तेरे ते विच जाइए वो इसलिए कि रब ने तैनू सिर्फ साढ़े लई बनाया है डर क्यों गया है बड़ा साईं अपना हाथ ना रोक हौसला करके मेरे सिर तो दुपट्टा ला दे मैं तेरी पसंद दे मैयार ते पूरी उतरांगी ना लोका दिया तिया पैना नु एज गुनाह दी सेज ते बर्बाद करन वाले आ अज अपनी पैन नु एज सेज ते वेख के तेनु कंबनी क्यों छिड़ पई है वेगा बद ते अपनी अयाशी च डुबे होए चावा नु पूरा कर ले सरदार मेरी इज्जत ते गैरत दी कातले चंगा होया पहले दा फेर तेनु खिच के मेरे को ले आया है मैं तीन वरे तेरे लाए हुए फट चट चट के गुजारे ने आज मैं तेरे को लो अपने गुजरे हुए एक एक पल दा हिसाब लांगा हिसाब ते तेरे को लो मैं लवांगी जागीरदार तू कातल है मेरे सुहाग दा तू डाकू है लोका दिया तिया पहना दी इज्जत दा तू यजीद है आज दे दौर दा मेरा सर्वे मैं अपने प्यार दी कबर ते इंतजार दा दीवा बाल के आज ते दिन दी उड़ीक कीती है आज मेरे इंतकाम दी बारिश बसेगी ते तेरा सब कुछ रोड़ के ले जाएगी आज मैं इंतकाम लवांगी अपनी सेकती होई जिंदगी दा आज मैं इंतकाम लवांगी तेरे कोलो लुटिया होया इसका दा अज मेरे सबर ते तेरे जबर दी पहली ते आखरी जंग होवेगी इस जंग दा अंजाम तेरी मौत ते जतान अज असी तेनू अपने खानदान दी इज्जत ते गैरत दा सदका लाके अपने बाप दादा दिया रूहां नू खुश करांगे जागीरदार मैं तेरे खून ना लस से लाके दी समीन ते तेरे जुल्म दी कहानी दा अंजाम लिखांगी तू मेरे बाप नु कत्ल करके अपनी ताकत दा जोर विखाया सी आज मैं तेनु कत्ल करके औरत दे इंतकाम दा चेहरा विखावांगी परेशान होण दी कोई गल नहीं कुड़िए जंग ते छतराई दा पासा बदल दिया बहुती देर नहीं लगती कीड़िया रल के हाथी नू नहीं मार सकदिया सरदार ने साडी इज्जत दिया उच्चिया कंधा टपिया सन सजा इनू भी मिलेगी ते तू साडे असूलां नाल बगावत कीती है सजा तैनू भी मिलेगी जगिया हुक्म बटा साईं पिंड दे जो की सूलियां गड़ते होए साडे नाल टक्कर लैण वालियां दी इबरतनाक मौत दा अंजाम पूरा पिंड वेखेगा Thank you.
जमीन उते वसन वाले हो। साड़ी जागीर दे लोका दी रसम है के ओ साड़े सामने सिर दीवे ते अखां जमीन वल रख देने, पर जरदार ते नैला ने साड़े सामने सिर चुके अपने बागी होर दा ऐलान कीता है। आज बगावत करन वालिया दी मौत दा तमाशा तुसी अपनी आंखां नाल वेखोगे। इना दे इबरतनाक अंजाम तो बाद जे तुहाडे विचों किसे ने साडे उसूलां नाल टकराण दी कोशिश कीती ते उहदा अंजाम इना तो ज्यादा भयानक होवेगा। इना दोवां नूं मौत दे पटड़े ते चाड़ दिओ। कमजोर साथी भी कदी कदी काम आ जाते ने।
तैनू गोली मैं मारांगी छड्ड। असला छड्ड ओए ते अपने हाथ उच्चे कर लवो। समझ लो तुहाडी खेड मुक गई है। जे किसी ने भी कोई हरकत करन दी कोशिश कीती ते मैं इन्हां दियां पुड़पियां च गोलियां मार के छेको छेद कर देंगा। साबित कर दिता है कि तू साढ़े तू वड़ा शैतान ते बेईमान है। जगिया इन्हां दे गले च रस्से पाके फाड़ ला दियो, ले जाओ इन्हां नूं। सीधा इको ही झटका तुहाडे कलबूत ते रूह नूं वखो वख कर देगा। पर मैं तुहानूं एडी आसान मौत मरदिया नहीं वेख सकता। अज मैं तुहानूं अपने इंतकाम की अग दफन करके तुहाडे सारिया दा नामो निशान मिटा देंगा। तुहाडे चारों पासे अग दे शोले आसमान नाल गला करनगे। तुसी चीखोगे, तड़फोगे, फरियाद करोगे ते कयामत दिन सिर्फ मैनू याद करोगे। पर तुहानू सड़के सुआह होण तों पहला मैनू तुहाडे ते रहम नहीं आएगा। जगिया लखड़ां नू तीली ला के अग दा पांबड़ बना दे। आज दुनिया की कोई ताकत तुहानू मौत तो नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। सफर ना बोल मुनाका, तेरे तो पहला भी एक नमरूद ने ईमान साड़न लिए अग का पांबड़ लाया सी। पर अल्लाह दे एक नबी ने इश्क की नमाज नहीं के बेखौफ अग की छाल मार दी थी। पर मेरे सोने रब ने अग नु गुलजार बना दिता। आज एक खुदा एक रसूल नु मनन वाले अपने जमीर दा वजू करके तकवे ते ईमान दी नमाज कायम करेंगे। तू अपने जुलम दी बारिश करता रहो, पर सानू यकीन है सोना रब अपनी रहमत दी बारिश जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। तुहानू बारिश ने बचा लिया है, पर मेरे कोलों कौन बचाएगा? और इन्हां ते गोलियां दी बारिश कर दियो।
सन, पर आज मेरे एंटर तेनू मौत वाल ले जाके। I'm not afraid to die.